हमीरपुर में स्मैक के नशे की लत में युवा बुरी तरह फंस चुके हैं और हमीरपुर पुलिस ने नशे की मुहिम को तेज करते हुए लगातार तीसरे दिन भी नशे के कारोबारियों पर से गंजा कसा। पुलिस ने अब तक बड़ी कार्रवाई में 153 ग्राम स्मैक के साथ युवक को पकड़ा है। पुलिस ने 153 ग्राम स्मैक के साथ युवक राकेश कुमार निवासी जाहू को पकड़ा है और इस युवक के खिलाफ पहले भी सुंदरनगर थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है। SP रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने युवक को पकड़ा है और कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ये जो हमारी SIU की टीम है और साथ ही जो सदर थाना SHO संजीव कुमार, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने 3 मुकदमे दिए हैं जिसमें कि टोटल 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और जो पूरा सीजर है हेरोइन का, स्मैक का, वो करीबन 250 ग्राम से ज्यादा जा रहा है, जिसमें 3 अलग अलग मुकदमों में, एक में 7 ग्राम, एक में 81 ग्राम और एक में 153 ग्राम हमने स्मैक हेरोइन बरामद की है। तो ये विशेष अभियान है पुलिस का जो कि इस नशे के खिलाफ चल रहा है और हमने एक जाहू का 53 ग्राम स्मैक मिली थी, पहले भी सुंदरनगर में इसी तरह के मामलों में संलिप्त रहा है, वहाँ पर केस दर्ज है, इसे गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 2 जो बड़े काफी लंबे समय से जो इसमें कारोबार में लिप्त थे, संजय कुमार और उपेंद्र उर्फ गोलू, इन लोगों को भी अणु खुद से हमने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हमीरपुर पुलिस ने गत 3 दिनों में स्मैक के कारोबारियों पर नकेल कसी है और SHO संजीव गौतम की अगुवाई में टीम ने गत 3 दिनों से नशे के कारोबारियों को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पहले मामले में 7.32 ग्राम स्मैक के साथ बसड्डा हमीरपुर में एक युवती, उसके बाद 2 मामलों में 81 ग्राम हीरोइन के साथ अणुखुर्द से 2 युवक संजय व उपेंद्र उफ गोलू को भी गिरफ्तार किया है। SP रमन कुमार मीणा ने बताया कि लगातार तीसरे दिन पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को धर पकड़ा है और पुलिस अपने अभियान को आगे भी ऐसे ही जारी रखेगी।